वृंदावन पहुंचकर क्या करना है हमें आपको बताओ, क्या करना है? बिहारी जी का दर्शन करके कभी कभी श्री यमुना जी के किनारे अकेले जाकर बैठा कर और अकेले बैठ कर के अपने हृदय में बैठी हुई उस कृष्ण प्रेम विरह में पगी हुई उस गोपी को जागृत करते हुए कन्हैया की प्रतीक्षा कर, प्रतीक्षा कर, इंतजार कर। वो अभी गैया चराते आते होंगे, वो अभी मुरली बजाते आते होंगे। केवल दर्शन किया, वहां की लस्सी चाट पकोड़ी खाई और जाकर के होटल में आराम कर लिया, फिर निकल लिया है दर्शन करना। ये वृंदावन का अनुभव नहीं है, ये वृंदावन का सुख नहीं है। वृंदावन का तो सुख यही है, कभी यमुना जी के किनारे, कभी किसी लता पता से लिपट करके। पूछो, हम जन्म जन्मांतर से अपने श्याम सुंदर से बिछड़े हुए हैं, आखिर हे यमुना महारानी, हे लता रानी, हमें हमारे प्रीतम कब मिलेंगे, हमें हमारे श्याम सुंदर कब मिलेंगे? आप हृदय से पूछोगे तो आपके हृदय को आवाज आएगी, आपको यमुना जी यमुना महारानी आपको सांत्वना देगी। तो चिंता मत कर, ऐसे ही बैठ करके प्रतीक्षा करता रहे, एक ना एक दिन तुझे भी मिलेंगे, एक ना एक दिन तुझे भी मिलेंगे। बड़ा सुंदर भाव है, आप सब भी श्रवण करना है और आनंद से गाना है। हरे कृष्ण सदा कहते कहते मन चाहे जहां वहां घूमा करूं, मधुमान रूप को पी करके उनमें उन्मत्त हो रूमा करूं। अति सुंदर वेश ब्रजेश तेरा, राह रोम ही रोम में रूमा करूं। मन मन तेरे निरंतर चूमा करूं। आ जाओ घन श्याम अब तो आ जाओ, पुकारिए हो, आ जाओ घन श्याम अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ, आ जाओ घनश्याम अब तो आ जाओ। कब होगा तेरा दीदा, कुछ तो बोलो सरकार, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे। जय
पुकारिए गोविंद को, बुलाइए गोविंद को। कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे? शाम कब आओगे? आओगे शाम कब आओगे? आओगे शाम कब आओगे? कब होगा तेरा दीदार? कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे? शाम कब आओगे? आओगे शाम कब आओगे? कब होगा तेरा दीदार? कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे? शाम कब आओगे? आओगे शाम कब आओगे? कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे? शाम कब आओगे? आओगे शाम कब? हाथ उठा के पुकारे, आ जाओ घनश्याम, अब तो आ जाओ। आ जाओ घनश्याम, अब तो अब तो आ जाओ। आ जाओ नंदलाल, अब तो आ जाओ। ओ बड़ी देर भाई अब आ जाओ, बड़ी देर भाई अब आ जाओ, बड़ी देर भाई अब आ जाओ, बड़ी देर भाई अब आ जाओ। आ जाओ घन श्याम, अब तो आ जाओ। आ जाओ घनश्याम, अब तो आ जाओ। किस बात पे रूठे हो, आकर तो बताओ सही। तेरे बिन मनमोहन, दिल मेरा ये लगता नहीं। किस बात पे रूठे हो, आकर तो बताओ सही। तेरे बिन मनमोहन, याद रखिएगा, जो कभी मानने वाले नहीं है उनको मनाने की चेष्टा हम ताउम्र करते रहते हैं। संसार का सीधा सीधा सा एक नियम है, आप 365 दिन वर्ष के किसी की सेवा करो और 365 दिन में से एक दिन अगर सेवा में कोई त्रुटि हो जाए तो संसार का प्रेम ऐसा है जी कि वो 364 दिन के प्रेम को भुला देगा
एक दिन की गलती को याद रखें। ये संसार का नियम है, ये संसार का प्रेम है। 364 दिन आपने तन मन धन नौछावर कर दिया संसार पे, लेकिन एक दिन अगर कोई गलती हो गई तो संसार का प्रेम कहता है कि 364 दिन के तेरे प्रेम पर मैं पानी फेरता हूँ। एक दिन जो तुझसे गलती बनी है, अब तो वही मेरे दिल में बस गई, तुझसे गलती हो गई। लेकिन गोविंद का प्रेम कैसा है, गोविंद का सिद्धांत कैसा है? वर्ष में 365 दिन होते हैं, 364 दिन आप खूब संसार को दे दो, लेकिन कहीं सच्चे मन से एक बार एक दिन गोविंद को याद कर लो तो वो 364 दिन याद नहीं रखेंगे कि 364 दिन इसने संसार को दिया, मुझे केवल एक पल दिया, एक दिन दिया। नहीं जी, संसार तो एक दिन की गलती को याद करता है, गोविंद एक दिन के प्रेम को ऐसे निभाते हैं, एक दिन के प्रेम के बदले में गोविंद अपने आप को न्योछावर कर देते हैं उस भक्त पर। युग युगांतर, कल्प कल्पांतर, सदा सदा के लिए उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। इसलिए प्रयास करना, गोविंद ना लूट पाए, संसार भले ही लूट जाए, संसार भले ही हमसे नाराज हो जाए, लेकिन कृत्य ऐसा होना चाहिए, हमारा साधन ऐसा होना चाहिए, हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए, जो सदा से हमारे थे, जो सदा से हमारे हैं, जो सदा ही हमारे रहने वाले हैं, बस वो नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। इस बात पे रूठे हो आकर तो बताओ सही, तेरे बिन मनमोहन दिल मेरा ये लगता नहीं। सुना तुझ बिन संसार रही अखियां तुम्हें निहार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, आओगे शाम कब आओगे, आओगे शाम कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, आओगे शाम कब आओगे, ओ आ जाओ घनश्याम, अब तो आ जाओ घनश्याम, अब तो तो आ जाओ, आ जाओ नंदलाल, अब तो आ जाओ।
करने हम पे उपकार शाम कब आओगे शाम कब आओगे आओगे शाम कब आओगे आओगे शाम कब आओगे कब होगा तेरा दीदार कुछ तो बोलो शाम कब आओगे शाम कब आओगे आओगे शाम कब आओगे कब होगा तेरा दीदार कुछ तो बोलो सरकार शाम कब आओगे शाम कब
शाम अब तो आ जाओ, आ जाओ घनश्याम अब तो आ जाओ, हो आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ, आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ, बड़ी देर भाई अब तो आ जाओ, आ जाओ घनश्याम अब तो आ जाओ, आ जाओ नंदलाल अब तो आ जाओ, आ जाओ नंदलाल अब तो आ जाओ, ए आ जाओ घनश्याम अब तो आ जाओ, दम होनी चाहिए, पुकार में दम होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव सदैव कहते भक्त की चीख में इनकी दया की भीख छिपी हुई है प्यारे। जब तक हृदय से वो करुण पुकार ना निकले, जब तक रोम रोम से वो तड़प ना जागृत हो उनको पुकारने की, तब तक पुकार असफल है प्यारे। किसी का इकलौता संतान हो और वो बिछड़ जाए तो उस माता पिता की हृदय की वेदना को कौन समझ सकता है? वो संतान को पाने के लिए कैसे तड़पते हैं, कैसे रोते हैं, कैसे बिलखते हैं। बस वही तड़प चाहिए गोविंद को पुकारने के लिए, केवल वही पुकार चाहिए उसको पुकारने के लिए, वही दर्द चाहिए। एक सांसारिक माता पिता से संतान बिछुड़ जाए तो माता पिता रोती कि जाने मेरा पुत्र कहाँ है, जाने मेरी संतान कहाँ है, कब मिलेगी। किसी संतान से माता पिता भी छुड़ जाए तो वो संतान रोती है कि जाने माता पिता कहाँ है, कहाँ खो गए, कैसे मिलूं, कैसे पाऊं। प्यारे संसारिक माता पिता के लिए हम इतना रुदन करते हैं और जिस सच्चे माई बाप से हम जन्म जन्मांतर से बिछड़े हुए हैं उनके लिए तड़प क्यों नहीं, उनके लिए वो दर्द क्यों नहीं है। फिर कहते हैं बात बनती नहीं। अजी आपके मनोरथों के वो भूखे नहीं है कि हमारे ये मनोरथ पूरे हों तो हम 56 भोग लगाएंगे बात बनेगी, हमारे ये मनोरथ पूरे काम बन जाए तो हम फूल बगला लगाएंगे तब बात बनेगी। नहीं नहीं, भगवान आपके वस्तुओं के भूखे नहीं हैं, भगवान केवल आपके प्रेम के भूखे हैं। पलक झपकने में देर हो सकती है लेकिन कोई भक्त हृदय से पुकारे और गोविंद ना आए ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर चित्र विचित्र बाबा के भजन सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, आप केवल अपने ठाकुर से मिलने के लिए बैठे हैं। इसलिए पुकार होनी चाहिए उच्च स्वर से, दोनों हाथ उठा करके बोलिए बड़ी देर भाई अब आ जाओ, 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 घनश्याम अब तो आ जाओ, आ जाओ
जाओ सावरिया चित चोर गवाले सावरिया चित चोर गवाले ओ प्रेम नगर के राजा 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 तेरी रस की भरे अथाह समुद्र तेरी रस की भरे अथाह समुद्र बस एक ही बूंद पिला जा बस एक ही बूंद पिला जा बस एक ही बूंद पिला जा मैं तुझको भाऊ ना भाऊ पर तू तो मुझको भाजा तेरे चरणों में मैं बलि बलि जाऊं तेरे चरणों में मैं बलि बलि जाऊं ओ प्यारे आकर दर्श दिखा जा प्यारे आकर दर्श दिखा जा प्यारे आकर दर्श दिखा जा ओ आ जाओ घनश्याम अब तो आ जाओ आ जाओ घनश्याम अब तो आ जाओ ए आ जाओ नंदलाल कब होगा तेरा दीदा पुकारिए भाव से पुकारिए कुछ तो बोलो सरकार श्याम कब आओगे आओगे और ऊंचे सुर में पुकारे आओगे बार प्रेम से बोले बोलिए श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।